हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। मैं शाहीन, मैं भी अच्छे से हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई मंथ चल रहा है और मानसून आ चुका है। तो और हमेशा से हमारी कोशिश होती है मानसून में जितना हो सके प्लांट की रिपोर्टिंग करूँ, मतलब जिस प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है मैं इस मंथ में कर देती हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, इसकी हालत ख़राब हो चुकी है। धूप में रह गया था और इसकी केयर भी प्रॉपरली नहीं कर पाई थी, तो ये पूरा ख़राब हो गया। तो आज मैं इस प्लांट की को जिसको कि कैलेथिया के नाम से जाना जाता है, इस पर बात करूँगी, इसकी रिपोर्टिंग करूँगी और इसका प्रोपगेशन और केयर भी शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना, और जो गलती मैंने इस प्लांट के साथ की थी आपने नहीं करना है, और आपने पूरा वीडियो देखना है। ये बहुत ही प्रीटी प्लांट है और ये एक इंडोर प्लांट है। इसकी बहुत सारी वैरायटी होती है और बहुत से डिज़ाइन में आते हैं। तो पहले मैं यहाँ इसके सारे ड्राई लीव्स हटा दूँगी इस तरह से। अच्छा, इसको बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल में लगाना चाहिए और सॉइल को मॉइस्ट रखना चाहिए, पर ज़्यादा पानी भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो इसका रूट गल जाएगा। ठीक है, अब सॉइल मिक्सचर की बात करूँ तो इसको एक हिस्सा सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कंपोस्ट डाल दें और अच्छी तरह से मिलाकर इसका सॉइल मिक्सचर तैयार कर लें। ठीक है, ये तो हो गए सॉइल मिक्सचर की बात। और इसकी प्लेसिंग कहाँ करना है, यही मैंने गलती किया था कि इसकी प्लेसिंग गलत जगह पे की थी। गलत जगह प्लेसिंग करने की वजह से ही ये ऐसा हो गया। तो इसकी प्लेसिंग ऐसी जगह करें जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आती है। इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी, डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी ना रखें। बस यही गलती मैंने की थी। ये बेचारा बाहर रह गया था और इस पर कड़ी धूप पड़ती रही और इसकी हालत ख़राब हो गई और यह हमसे नाराज़ सा हो गया। बट कोई नहीं, अभी मैं बढ़िया सा डिनर तैयार कर रही हूँ इसके लिए। इसको खिला पिला कर खुश कर दूँगी, यह फिर से खिल जाएगा। धूप में रह के इसकी सॉइल जो है पूरा सख्त सी हो गई। इसमें मैंने पानी डाल दिया और इसको पूरा पलट दूंगी सो दैट कि रूट सहित बाहर आ जाए। चारों तरफ से मैं इसको खुरपी करके इसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ सो दैट कि ये पूरा जड़ के साथ बाहर आ जाए। देखिए, ये गमले से बाहर आ गया और मैं इसकी मिट्टी हटा दूंगी और नए सॉइल मिक्सचर में डालूंगी। पूरा गमला रूट से भर गया है, तो मैं कुछ रूट को कट भी कर दूंगी। और यहाँ अगर आप चाहो तो इसी रूट से दो तीन प्लांट बना सकते हो, पर मेरे पास अभी पॉट नहीं है तो मैं अभी सिर्फ एक ही पॉट में लगाऊंगी। पहले तो सारी मिट्टियाँ इसके हटा दूंगी। अच्छा, इसको तो मैंने बताया कि इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, बट इसको एकदम से भी डार्क एरिया में भी नहीं रखना है। इसको ऐसी जगह में प्लेसिंग करनी है इसकी जहाँ अच्छे खासी लाइट आती हो। इसकी पत्तियाँ को ब्राइट और हेल्दी और ब्यूटीफुल दिखेगी तभी जब इसको थोड़ा लाइट, हल्का लाइट भी इसको मिलती रहे। और इसको ओवर वाटरिंग से भी इसकी पत्तियाँ नीचे से ब्लैक होने लगती है और पीली पड़ जाती है और फिर फंगस भी लगने का डर रहता है। तो अपर लेयर आप देख लो, मेक श्योर कि अपर लेयर जो ड्राई हो तभी पानी दें। ज़्यादा ठंड भी ये बर्दाश्त नहीं करती। अगर सीधे साधे बोलूँ ना तो ये प्लांट थोड़ा नाजुक है, इसकी केयर थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ती है, नहीं तो इसकी लीफ जो है सूखने लग जाती है। देखिए, ये सारा है इसका जो कि मैं इसको डिवाइड करूँगी, डिवाइड तो नहीं करके उसको वापस एक ही पॉट में लगाऊँगी मुझे, क्योंकि मेरे पास पॉट नहीं है, एक ही पॉट है। और आप इस स्टेज में आप चाहो तो दो तीन प्लांट आप बना सकते हो डिवाइड करके। इसको थोड़ा मैं समेट लूँ, साफ़ कर लूँ। यहाँ पहले से ही मैं सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर कर ली हूँ, अब इसको गमले में डाल दूँगी। पर इससे पहले गमले के होल में एक छोटी सी ईंट रख देना चाहिए, तो उसको रख दूँगी। अब इसको लगा दूँगी। अच्छा, एक बात यहाँ मेंशन कर दूँ
देखिए यहाँ मैं किट रख दी। आपको किसी प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो इस मानसून में आप भी फटाफट कर लें, ये परफेक्ट वेदर होता है रिपोर्टिंग के लिए, किसी प्लांट का प्रोपगेशन के लिए। आप चाहो तो डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं, तो आपको भी अगर रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो आप भी इस मानसून में कर लो। बारिश के पानी इस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देखिए अब मैं इसको लगा दूंगी। ये मिट्टी थोड़ी मेरी गीली है क्योंकि कल बहुत बारिश हुआ था, तो मिट्टी मेरी गीली है, तो थोड़ा पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी डालने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत गीला मिट्टी है, तो इसको होल करके मैं इसको डाल दूंगी। अच्छा, फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो फर्टिलाइज़र को इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और मंथ में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे भी कर दें तो ये सही रहेगा। यहाँ मैं बाकी रूट को भी डिवाइड करके गमले के साइड साइड में लगा देती हूँ ताकि थोड़ा बुशी बुशी टाइप दिखे, और यहाँ पे मेरा प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा। और देखे ये मेरा कंप्लीट हो रहा है रिपोर्टिंग, और यहाँ मेरा रिपोर्टिंग कंप्लीट हो गया। इसके लीफ को देखें तो आपको लगेगा कि इसमें डिफरेंट शेड्स की पेंटिंग की हुई है। जब ये पूरा पत्तियों से भर जाएगा ना तो फिर इसकी ब्यूटी देखने लायक होगी। तो मेरा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर कल मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, इस वेदर में ज़रूर से आपको रिपोर्टिंग करना है अगर आपके किसी प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत है तो चलो फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। सब अपना ख्याल रखना।